थाना बरखेड़ा क्षेत्र के ग्राम नारायणपुर में जयंती प्रसाद का परिवार रहता है। जयंती के छोटे पुत्र दिनेश कुमार का देर रात उसके ही बड़े भाई पातिराम ने कत्ल कर दिया। दिनेश रात लगभग 9:30 बजे बरेली से लौटा था। उसने शराब पी रखी थी। खाना खाते समय वह जमीन और ट्रैक्टर अपने नाम करने की बात कह रहा था। इसके बाद उसने अपने पिता से कहा कि हर हाल में उसके हिस्से की जमीन और ट्रैक्टर उसके नाम कर दे। नाम नहीं होने से उसे परेशानी होती है। पिता ने ऐसा करने से मना किया तो बात बढ़ गई और पिता पुत्र के बीच झगड़ा होने लगा। गुस्साए दिनेश ने तेजी से दौड़कर बाका ले आया और पिता की ओर दौड़ पड़ा। ये देख दिनेश के बड़े भाई ने दिनेश पर लाठी से प्रहार कर दिए, जिससे दिनेश जमीन पर गिर गया। लेकिन पातिराम इतना क्रोधित हो चुका था, वह अपने भाई दिनेश पर वार करता गया। यह सब घटनाक्रम 1 मिनट में घट गई और पत्नी गुड्डी देवी के सामने उसके पति का कत्ल हो गया। घटना के बाद पातिराम माँ और पिता के साथ फरार हो गया। गुड्डी देवी की चीखें सुनकर पड़ोसी पहुँचे तो देखा कि दिनेश की सांसें थम चुकी थी। घटना की सूचना पर पहुँची थाना बरखेड़ा पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पर थाना बरखेड़ा पुलिस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पीछे वो कहते ट्रैक्टर जो साझे को है तू ना चलावे गमन ना चलावे डगे बेंच का मैं आधे पैसा दे ना ट्रैक्टर ही ने टाणो रहे है हमारे नाम जमीन कराए हम तो अपनी गाड़ी चलाई हम पे जमीन काम ना है वो और गाड़ी ले रही चक्कर में एक गाड़ी टाण जाएगी। जहाँ भाइयों में आपस में मारपीट थी और एक भाई ने उसने दूसरे भाई की मारकर हत्या कर दी है, जिस पर FIR दर्ज कर ली गई है। उसकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है।